तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस देखो, फाइनली टाइम आ चुका है अपने हाथी से खेलने का। तो गाइस देखो, मेरा हाथी है इधर ही कहीं होगा, इधर कहीं, ये अपना हाथी गाइस। तो देख लेते हैं गाइस, देखो ये वाली जो भी दूसरा वाला चैनल है उस पर वीडियो बनाने में सीधे लेट हो गया मैं, क्योंकि जो भी इनका बीटा वर्जन था उसमें कुछ बग वगैरह आ रहे थे तो वो काम नहीं कर रहा था। जो टावर गेमिंग वाली वीडियो थी वो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, तो बहुत अच्छा रहा, वरना तो भाई टावर गेमिंग पर भी नहीं डल पाती। तो चलो गाइस देख लेते हैं, आज हम लोग हाथी से खेलने वाले हैं। और गाइस देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा कि भाई हाथी, ये वाला हाथी कैसा है कैसा नहीं है। और आप लोग कमेंट भी करना गाइस कि आप लोगों को ये हाथी कैसा लगा, मतलब अपना एलिफेंट फ्रैंक बलूनिंग बड़ी। तो गाइस देख लेते हैं इसके स्किन, ये वाली स्किन मेरे को सबसे मस्त लग रही है, एकदम ऐसी लग रही है कि इंडिया जैसी है, मतलब इंडियन हाथी है अपना। और यहाँ पर गाइस देखो, इसका पैसिव और एक्टिव भी काफ़ी सही है, मतलब एक्टिव पैसिव काफ़ी सही है। बट यार देखो, ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये एक तरीके का ब्रूस ही हो गया, मतलब सेकंड टाइप का ब्रूस हो गया। तो बॉम्ब वगैरह सब ब्रूस जैसे ही है इसके, बस स्पीयर की जो स्टाइल है वो अलग है, घुमा के मारता है। और बाकी वेपन वगैरह सब ब्रूस के जैसे हैं। और इसकी एबिलिटी बस थोड़ी बहुत चेंज है, ये बस पैसे वगैरह इसकी ये है कि अपने आप खींच लेगा। और फुल मोड होता है पानी पी के, तो उसमें तो भाई पूरा तुम ब्रूस ही मान लो, क्योंकि पानी पी के इस पर नॉक वैक का असर भी नहीं होता और इमॉर्टल हो जाता है जैसे ब्रूस होता है, बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। तो चलो गाइस देख लेते हैं। तो हेल्थ वगैरह इसकी ठीक है और डैमेज वगैरह सब ठीक ही है। और हेल्थ के मामले में बात करें तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत कंपैरिजन करा था, तो ब्रूस के मामले में सेकंड नंबर पर ब्रूस सबसे पहले नंबर पर, फिर अपना हाथी आता है, फिर बाकी के और टैंक करेक्टर आते हैं। और डैमेज वगैरह इसकी थोड़ी कम है, डैमेज इसकी थोड़ी सी कम है, और पता नहीं आगे जाके थोड़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी तब बात करेंगे। और जाकर देख लेते हैं, इसकी इमोट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर ये वाली इमोट मेरे को सही लग रही है, गुस्से वाली, और एक हंसने वाली इमोट ये है, ठीक है इसे ले लेते हैं। तो चलो गाइस देख लेते हैं, स्किन में ये इससे खेल लेता हूँ, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और स्टैट्स वगैरह ठीक ही हैं इसके। और गाइस देखो, इसके तुम्हें पता चल गया होगा दो शॉटगन के शॉट हैं, अर्ल और स्किपी की तरह। और गाइस देखो, इस पर मैं आइटम लगाने वाला हूँ, तो आइटम देख लेते हैं, इन्फिनिटी में मसला लगा लेते हैं जैसे और बड़ा हो जाएगा। और अपना एक मिनट, और इसमें ये भी लगा लेते हैं हम लोग जंगल सूज, तो जितने भी गाइस टैंक करेक्टर होते हैं उनमें जंगल सूज लगा लेना चाहिए। और एक मिनट, और गाइस देखो, बीटा जो भी बीटा वर्जन होता है ना एकदम परफेक्ट नहीं होता, बग वगैरह रहती है। जैसे गाइस देखो, ये वाला अपना एलिफेंट है वो यूज नहीं करता, तब भी इसमें हम बो लगा सकते हैं देखो नाइट्रो बो, बट ये यूज नहीं करता, तो ये सब बग्स वगैरह इसमें रहते ही हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं मैं क्या क्या लगाने वाला था। तो चलो देख लेते हैं, मेरे को कुछ और समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यही लगा लेता हूँ, बॉम्ब लगा लेता अपना, और ये वाले एक मिनट ये लगा लेते हैं, ठीक है। तो अपना ये काम बन गया यहाँ पे, और मैं नाइट्रो शॉटगन वगैरह लगा लूँ क्या? नाइट्रो शॉटगन ना ना, ये बॉम्ब का ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर सोलो वाला स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस देख लेते हैं भाई, अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है अपने इंडियन हाथी से। तो यहाँ पे देख लेते हैं गाइस, मैं शॉटगन वगैरह ले लेता हूँ, और ये टैंक करेक्टर मैं ये लगा के आया हूँ। टैंक में तो ज़्यादातर मैं जंगल सूज यूज करना ही चाहिए, क्योंकि सही रहता है, क्योंकि टैंक करेक्टर पैसे भी धीमे चलते हैं। तो इसका डबल शॉटगन वाला शॉट है, और इसकी जो भी एक्टिव एबिलिटी है ये देखो, वो ये क्या कर दिया, अच्छा ये देखो गाइस चेंज कर दिया, बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर दिए लोगों ने। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो फाइनल आएगा ना वो एकदम थोड़ा सा ये इनहेंस करके भेजेंगे, जो भी अपना जुआ 15 तारीख को आने वाला है ना, ये तो 15 तारीख को काफ़ी ज़्यादा चेंज करने कर देंगे ये लोग, हेल्थ वगैरह में, डैमेज वगैरह में। और देखो एबिलिटी तुमने वीडियो में देखी थी वो थोड़ी चेंज थी, और इसमें देखो कैसी कर दी, रेक्टेंगल जैसी। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये है, और एक मिनट मैं इसकी एम्प्टी मोड देख के आता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये हो गया इसकी, और यहाँ पर फिन घूम रही है, उसके बाद गोल्डन बॉम है तो वही लेंगे हम लोग। रुको एक मिनट, फिन से मैं इसे खींचता हूँ, जरा कहाँ फिन, इधर ही कहीं होगी, कहाँ है, एक मिनट यहाँ से चली गई। वही अभी ये क्या, ये खींची क्यों नहीं, बग है क्या बीटा में, अभी भी पता नहीं है, बग हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो अब देख लेता हूँ, अब खींच के देख लेता हूँ, नहीं खींच रही यार ये, मुझे लग रहा शायद नहीं खींच रही, अब पता नहीं शायद इसमें काम नहीं कर रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट भाई इसे मैं मार भी नहीं पा रहा क्या, एक मिनट ट्राई करते हैं, वो खींच तो रही है, पता नहीं मुझे घास के अंदर सा दिख नहीं रही थी मुझे। चलो गाइस इसे देख लेते हैं, बॉम्ब ले लिया हमने, और हमारे बॉम्ब पर ट्रियो ठीक है, फायर और क्लस्टर दोनों लगे हुए हैं, और अपना कांटा भी आ गया इधर। तो चलो गाइस देख लेते हैं, पानी पी के थोड़ी सी हेल्थ वगैरह बढ़ाई जाए, देख लेते हैं उसमें अभी कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह करें हैं क्या नहीं। यहाँ पर भी एक गार्ड है, देख मिनट पानी पीते हैं, और पानी से गाइस देखो ये अपनी हेल्थ वगैरह भी बढ़ा लेता है, और काफ़ी ज़्यादा मोटा भी हो जाता है, और नॉक बैक का इस पर कोई असर नहीं होता, और जो घास है घास में भी छुप नहीं पाता। तो आप देख लेते हैं, और एक और है जो इसकी एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाती है, पानी फेंक के मारता है सीधा। तो आप देख लेते हैं, सैली और गार्ड थे तो देख लेते हैं भाई, गार्ड तो लग रहा है सैली ने मार दिया। और गाइस देखो इसका जो भी पानी है ना उससे बंदा स्लो भी हो जाता है, सामने वाला जिस पर भी हम लोग पानी फेंकते हैं वो स्लो हो जाता है थोड़ा सा, थोड़ा फजी की तरह है, बट फजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस इतना है कि बस स्लो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, फजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो चलो गाइस देख लेते हैं, पानी पी के रखता हूँ मैं, पानी पी ले जल्दी से। यहाँ पे पानी पी लिया हम लोगों ने, हेल्थ भी बढ़ जाती है अपनी, और हम मोटे तो हो ही जाते हैं, और इन्फ्लेटेबल मसल लगा गया हूँ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक मोटा लगेगा इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास हेल्थ बंदूक वगैरह सब है, और अपने पास एक्टिव एबिलिटी भी है, ठीक है। तो कहते देखो पूरा, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा जो भी ये वाला करेक्टर है, मेरी फ्रेंड मतलब जो भी मेरे को पसंद है करेक्टर, उन वाली लिस्ट में तो पक्का नहीं आने वाला, क्योंकि गाइस मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जो भी शॉर्ट रेंज वाले करेक्टर हैं वो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आ जा स्टीव, मैं तेरे को खींच रहा हूँ, अभी ये क्या कहाँ खींच रहा है, मैंने स्टीव पे एम किया था, ये कहाँ जा रहा है अपने आप ही, पता नहीं। चलो गाइस देख लेते हैं, एक मिनट आजा 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 आजा, इसे खींचने वाला हूँ मैं, आ गई, चलो ओहो बच गई।
तो गाइस इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा ये लगता है, जैसे मान लो अगर जेड वगैरह हो गया हमारा, निक्स वगैरह हो गया, तो मेरे हिसाब से 2 मिनट में डिफीट कर सकते हैं हाथी को अपने को। तो हम देख लेते हैं एक मिनट आ जाए भाई, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है जेड को अगर अपने पास खींचेगा तो जेड तो आधी से ज़्यादा डैमेज पहुंचा देगा, मतलब आधी से ज़्यादा तो नहीं, अगर इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है जैसा कि मैंने बताया ब्रूस के बाद इसकी हेल्थ आती है, तो मतलब जेड को अपनी तरफ खींचने में थोड़ा बहुत तो खतरा है। तो अब देख लेते हैं, और निक्स वगैरह भी थोड़े सही रहेंगे इससे, क्योंकि ये टैंक करेक्टर है, ब्रूस जैसा निक्स का हाल होता है ना ऐसे इसके साथ निक्स की फाइट हुआ करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें ब्रूस और इसमें, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, बस एबिलिटी का डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर देख लेते हैं और कौन है, यहाँ पर 3 बंदे बचे हुए हैं, एक तो मैं ही हूँ उसमें। हेलो बंदे कहाँ पर हो तुम लोग, मैं घास में छुप क्यों रहा हूँ, मेरे को पानी पी के आना चाहिए था, एक मिनट से मार देता हूँ मैं चूहे को, मार देते हैं जब तक, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे भी मार देते, ओ ये अपने आप ही मर गया, मेरे को समझ नहीं आया कैसे मर गया। जो भी इसके साउंड इफेक्ट सुनने हैं वो टारो गेमिंग वाले चैनल पर जाके देखना, उसमें मैंने साउंड इफेक्ट के साथ ही डाली है, उसमें कोई मैंने म्यूजिक वगैरह ऐड नहीं किया है। तो चलो भाई देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने स्किन के साथ खेला ना, मैं सोचा हूँ कि हम लोग एक और मैच खेल लेते हैं, और मैं थोड़े बहुत आइटम चेंज करने की सोचा हूँ, इसमें आइटम वगैरह मैं चेंज कर लेता हूँ, नाइट्रो शॉटगन वगैरह लगा लेता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे मैं बॉम्ब वगैरह उठा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, नाइट्रो शॉटगन लगा लेते हैं, ठीक है ये इतना बहुत है, और कॉफ़ी लगा के देख लेते हैं, चलो कॉफ़ी ये ठीक है, इनफील्ड में मसाला लगा रखी है मैंने, ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं दोबारा से, मैंने थोड़े बहुत आइटम चेंज कर लिए अंदर, तो चलो भाई देख लेते हैं भाई, अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और हमारी कॉफ़ी है तो काफ़ी स्पीड में चलेगा अभी जब तक कॉफ़ी रहेगी। तो यहाँ पे ऐसे मार लेता हूँ मैं गार्ड को, हेल्थ किट वगैरह ले लेता हूँ थोड़ी सी, वो भाई यहाँ पे जूते भी लगा के आया है तो काफ़ी सही चल रहा है, और इसकी गाइस डैमेज थोड़ी कम है, डैमेज इसकी थोड़ी कम नहीं है, वैसे मैंने कंपैरिजन करा था पूरा, तो जितने भी टैंक करेक्टर हैं सबसे कम डैमेज है इस बंदे की, और अगर उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया हो तो पता नहीं, बट जब भी मैंने कंपेयर करा था तब तो यही रिजल्ट आया था कि भाई इसकी हेल्थ वो इसकी डैमेज बहुत कम थी, हेल्थ वगैरह तो इसकी ठीक है ब्रूस के बाद आती है। तो आप इस कार्ड को और मार लेता हूँ, चलो ये भी गया, अब मैं जा रहा हूँ लेजेंडरी गार्ड के पास, क्योंकि लेजेंडरी गार्ड से वेपन मिल जाएगा, ये जो ही घूम रही है यहाँ पर लेवल 1 की। आप देख लेते हैं एक मिनट, ये यहाँ पर निक्स है, तो गाइस देख लेते हैं निक्स क्या कर रहा है, इसके पास वेपन वगैरह मुझे नहीं लग रहे, और मेरे को शॉटगन क्यों नहीं मिली अभी तक, शॉटगन ही भाई दोनों को खींच लिया। वैसे ये काफ़ी स्क्वाड में काफ़ी ठीक ठाक रहेगा ये वैसे में, क्योंकि स्क्वाड में अगर इसने सूट से अपनी पूरी स्क्वाड को अपने पास खींच लिया तो हाथी का मरना तो पक्का है, बट अगर अपनी स्क्वाड आसपास रहेगी तो ठीक है, बच जाएंगे हम लोग, क्योंकि अगर इसने अकेले एक ने 5 का खींच लिया तो 5 इस पर टूट पड़ेंगे। जहाँ देख लेते हैं भाई निक्स मर जाए एक मिनट, इधर मेरे पास शॉटगन और नहीं है, मर गया, चलो शॉटगन नहीं है इसके पास भी, इसके पास तो एक ही बॉम्ब था बेचारे के पास। तो यहाँ पे मेरे पास हेल्थ किट वगैरह भी ठीक है, और गाइस इसमें ऐसा भी है कि मतलब सारे करेक्टर हैं, जितने भी करेक्टर हैं ना, कुछ कुछ करेक्टर हैं कि स्क्वाड में काफ़ी सही रहते हैं और सोलो में इतने ज़्यादा ठीक नहीं रहते। जैसे कहते हैं स्टीव की बात करूँ मैं, तो स्टीव मेरे को सोलो में इतना बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि स्टीव और निक्स अगर सामने आ जाता है तो भाई स्टीव को वास्तव में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अगर निक्स वाला बंदा थोड़ा सा सही खेल रहा है तो स्टीव को वास्तव में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर स्क्वाड में वास्तव में काफ़ी सही रहता है, ये बात मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक मिनट, मेरा हाथी बहुत बड़ा हो गया है और मेरे को शॉटगन भी मिल गई है, तो इस स्टीव को मार देता हूँ मैं एक मिनट, आ जाओ स्टीव, चलो ये ऊपर पहुँच गई, हो ये क्या से कहाँ से आ गया भाई, एक मिनट से बंद करता हूँ, बंद नहीं हुआ ये क्या करा मैंने, अच्छा मैं पानी पी हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मैं पानी पी हुआ था, मैं पानी फेंक के मारता उस पर थोड़ा बहुत स्लो हो जाता, एक मिनट में दोबारा से पानी पी के आता हूँ, देख लेते हैं आखिर कितना स्लो होता है इससे, एक मिनट मेरे को पानी पीने दो, कोई डिस्टर्ब मत करना पानी पीते समय। ओके तो इसकी हेल्थ रीगेन बहुत कम कर दिया मुझे लग रहा है पहली बार से, जो वीडियो में देखी होगी पानी पी के हेल्थ काफ़ी बढ़ा रहा है, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा, एक मिनट यहाँ पर कोई है क्या, देखो मैंने इसे थोड़ा सा स्लो कर दिया, हाँ गुड, तो यही था यहाँ पर, एक मिनट मेरे को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एडलिन लगा के नहीं आया, इस वजह से हेल्थ वगैरह ध्यान रखना पड़ेगी। और यहाँ पर ब्रूस है, ब्रूस को भी खींच लेता है, सबसे बढ़िया बात तो ये है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बॉट भी कितना होशियार है, देख रहा मैंने उसे खींचा अपने पास, उसने कांटा लग दिया जैसे कि मेरे चोट लग जाए, चलो ये गया, और यहाँ से सारी चीज़ें ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इस बंदे के पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। चलो 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 एक मिनट, ये हाथी बेचारा बार बार पानी पीता है, मैं तो पीने नहीं देता, तो यहाँ से हम पानी पी के ही चलेंगे, पानी पी के थोड़ा सा स्लो और ज़्यादा हो जाता है, तो एक मिनट यहाँ देख लेता हूँ मैं, चलो 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 जल्दी चलें, यहाँ से मेरे को पानी फेंकना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा स्लो है, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, पानी हम और कहीं जाके पी लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 बंदे बचे हुए दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ओके तो यहाँ पर मेरा हाथी फुल बड़ा हुआ है, तो मैं एक पानी पी के और देख लेता हूँ, क्योंकि जो इन्फ्लेटेबल मसाला है वो 7 किल तक ही काम कर दिया, तो मैंने 7 किल यहाँ पर कर दिया, तो मैं ओ भाई साहब मुझे कितना खतरनाक लग रहा है, एक मिनट यहाँ पर आओ घास में आओ जरा, देखो मैं इसको बक को थोड़ा सा स्लो करूँगा, ओ बक के ऊपर पानी, अरे यार बक के ऊपर पानी नहीं गिरा, दोबारा से यहाँ पे स्लो करके ही मारूंगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा इसमें धीमा होता है इसका जो भी इफेक्ट है। वो भाई यहाँ से कौन मार रहा है, अच्छा लीजी है, ठीक है एक मिनट यहाँ पे किसी को तो ये पानी में फंस गया, एक मिनट इसे मार देते हैं, चलो इसे मार दिया मैंने, इस लीजी को मैं धीमा करूँगा, हो गई क्या, हो गई एक मिनट, देखो हो गई थोड़ी सी धीमा हो गई, यही इफेक्ट है इसका, अब मैं इसे खींच लेता हूँ, ये क्या हो रहा है भाई इसके साथ, कुछ भी हो रहा है, चलो गई, ये इसका काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ये ओवरऑल रेटिंग मैं 4 नंबर की दूंगा, 4 दूंगा,
क्योंकि ब्रूस भी हमारा काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, तो ये ब्रूस के मुकाबले का ही कह सकते हैं हम लोग इसे। तो चलो गाइस देखो आज वाली वीडियो में इतना ही, अगर ये वाली वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जो करना गाइस, और सबसे बड़ा कमेंट जो करना गाइस। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।